इस वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर बड़े पैसों की सैकड़ों करोड़ों रुपए की, कहीं पर 100 करोड़ सुनाई दे रहा है, कहीं पर सुनाई दे रहा है 18 करोड़ आ गए हैं, 21 और आने हैं, इसकी लेन देन की चर्चा चल रही है। और ये कोई एक बिचौलिए हैं जिनके जरिए माइनिंग के कारोबारियों का, अगर आपने सुना हो तो बार बार खनन का नाम आ रहा है, माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट कहां कहां खोले जाए, कहां कहां हो, उसकी चर्चा लगातार सुनाई दे रही है। सनद रहे, बस याद रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी इस्पात और खनन के मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार में, और ये डायरेक्ट पैसा लेने की बात खनन के माइनिंग के कारोबारियों से हो रही है। इस वीडियो में रिटायर्ड आरबीआई के कोई अधिकारी है त्यागी जी, उनसे भी 100 करोड़ लेने की बात हो रही है। कोई हरप्रीत गिल और डीएचएल नाम की फर्म के संचालक से भी पैसा लेने की बात हो रही है। और जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र भैया को बार बार भैया और गुरुजी कहकर बिचौलिया संबोधित कर रहा है। रोहित भैया के किसी शख्स को पैसा देने की बात हो रही है, और राजस्थान पंजाब के कोई ट्रेडिंग फर्म है, कोई खनन के फर्म है, उनकी बातें चल रही है। इस वीडियो में एक पार्सल की भी बात हुई और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें कहा गया भाभी जी, अब वो भाभी जी नरेंद्र सिंह तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है या देवेंद्र तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है मैं नहीं जानती, लेकिन एक भाभी जी जो कि तोमर ही खानदान से संबंध रखती है, संभवतः उनकी पत्नी है, उनके नाम एक पार्सल पहुंचाने की बात हो रही है। और बिचौलिया कह रहा है कि एड्रेस प्रूफ चाहिए कृष्ण मेनन मार्ग का, और देवेंद्र भैया कह रहे हैं एड्रेस प्रूफ तो जी हमारे घरों का है, कृष्ण मेनन मार्ग का नहीं है, पासपोर्ट है। याद रहे 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर नई दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर जी की कोठी है, और ये कोठी ठीक 2 कृष्ण मेनन मार्ग श्री अमित शाह जी के घर के जस्ट सामने है। ठीक सामने वाली कोठी नरेंद्र सिंह तोमर जी की है 3 कृष्ण मेनन मार्ग की, जिसका एड्रेस प्रूफ संभवतः उनके परिवार के पास नहीं है, और इसलिए वो कह रहे हैं एड्रेस तो हमारे घर मतलब ग्वालियर का होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये 100 करोड़, ये 39 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, ये क्या पैसा है, ये किसका पैसा है, ये कौन दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? जिस पैसे का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस पैसे को सार्वजनिक किया गया है? ये खनन के कारोबारी कौन है और वो देवेंद्र भैया को पैसा क्यों दे रहे हैं? सवाल इस बात का है।